करनाल के लघु सचिवालय में टीजीटी पात्र अध्यापक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। टीजीटी अध्यापक संघ के सदस्यों ने मांग करते हुए बताया कि सरकार द्वारा उनको 2015-16 में नौकरी पर रखा था, परंतु अब नए नियम का बहाना करते हुए नौकरी से निकाला जा रहा है, जिसके कारण सभी टीजीटी अध्यापकों को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि वह लघु सचिवालय में इकट्ठे होकर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे ताकि सरकार उनकी मांगों पर गौर कर सके। साथ ही टीजीटी पात्र अध्यापकों को पुराने नियम के अनुसार नौकरी पर रखने का अनुरोध करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में टीजीटी पात्र अध्यापक संघ के सदस्य मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। किस लिए इकट्ठे हुए जी आप सब यहाँ पर? सर, हम टीजीटी इंग्लिश की भर्ती को पूरा करवाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारी भर्ती सितंबर 2015 में निकाली गई थी। उसके बाद 2016 में हमारा इंटरव्यू भी हुआ और हम सब ने इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया, मतलब इंटरव्यू दे चुके हम और हमारा रिजल्ट आना बाकी रहता है। अब सरकार इस भर्ती को रद्द करना चाह रही है इस बात का हवाला देकर कि 2017 में भर्ती के नियम बदल दिए गए और अब इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। लेकिन सर, हमारी भर्ती तो 2015 की है, तो उस पर नए नियम कैसे लागू हो सकते हैं? तो आप सचिवालय में किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम सचिवालय में डीसी साहब को अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि वो हमारी जो मांग है वो डीसी साहब सीएम साहब तक पहुँचा सके। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम मोनिया शर्मा है। आपके? मैं टीजीटी इंग्लिश कैंडिडेट हूँ। 2015 में हमारी पोस्ट निकाली गई थी टीजीटी इंग्लिश पोस्ट, जिसमें 1035 पद थे, परंतु 20 दिसंबर 2015 में मेवात कैडर का टेस्ट लिया गया। उसके बाद 2 फरवरी 2016 में यानी कि रेस्ट ऑफ हरियाणा का भी टेस्ट लिया गया और 2016 में उसका रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद, स्क्रीनिंग रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद, उसके बाद 2016 में सितंबर में हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू भी हमने दे दिया और आज सरकार की मंशा है कि हम 2017 के अंदर जो नया रूल बनाया है उसके अनुसार 2015 की भर्ती को पूरा करें। ऐसा ये बिल्कुल हमारे साथ अन्याय है। हमारी उम्र 42 साल से ऊपर हो चुकी है, हमारे बच्चे भी आज कॉलेजों में जा रहे हैं और हम इससे बड़ा आहत हैं कि हम दोबारा नए रूल के अनुसार कैसे इस भर्ती को कराया जा सकता है। हम सरकार से ये भरपूर मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार इस जो रद्द करने का जो सोच रही है इस विचार को वापस ले और इस भर्ती को जल्दी से जल्दी करवाने का निर्देश दे। ऐसा हम अपने मीडिया बंधुओं से भी आह्वान करते हैं कि हमारी आवाज़ को ज़बरदस्त तरीके से उठाया जाए ताकि यह जो गुंगी बैरी सरकार है हरियाणा सरकार, ये इसके ऊपर सोचे और इस भर्ती को टीजीटी इंग्लिश की जो भर्ती है उसको जल्दी से जल्दी इसको पूरा कराने के लिए निर्देश दे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ कहाँ आए हो जी आप? मेरा नाम सुभाष शर्मा, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। यहाँ कहाँ आए हो आप? करनाल सचिव डीसी सचिवालय के पास आए हम और डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए ताकि वो हमारी बात सीएम माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर जो हरियाणा के सीएम हैं उनको पहुंचाए और इस भर्ती को पूरा से पूरा जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.